हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक। तो उद्योग की ये सेकंड वीडियो है जिसमें पिछले 25 साल में कौन कौन से ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं उद्योग से जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया उद्योग का ट्रेडिशनल टॉपिक्स का पूरा उसका डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाया। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें 25 साल के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और थर्ड वीडियो में उद्योग से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ इसको याद भी कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनएमपी कब जारी किया गया था? ये किया गया था 4 नवंबर 2011 को। एनएनपी क्या है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति है इसको, जिसमें इसका टारगेट क्या है, विनिर्माण क्षेत्र का अंश 25% करना और 10 करोड़ से ज़्यादा रोजगार का सृजन करना। दूसरा है QCI। QCI क्या है, ये भी बताया मैंने लास्ट वीडियो में, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय गुणवत्ता परिषद, स्थापना 1997, जिससे जुड़े हैं 3 संस्था, एसोचैम, CII और फिक्की। और इसका काम क्या है, मान्यता प्रदान करना, उत्पादों और सेवा की गुणवत्ता को मान्यता प्रदान करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फिर बाकी जो क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड उस साल के करंट अफेयर्स से पूछा गया उसका डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं। तो आपको इस साल का करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग मैं अगली वीडियो में उसके हिसाब से तैयारी करवाऊंगी। फैक्ट्री अधिनियम 1881 के बारे में क्वेश्चन है, तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था, वो किस चीज़ से रिलेटेड था, तो वो बच्चों से रिलेटेड था, जो बच्चे मजदूर हैं उनसे रिलेटेड, ना कि महिला मजदूरों से संबंधित था। इसके बाद उद्योगों का आपको परसेंटेज याद करना है कि अधिकतम समृद्धि कितनी रही उद्योग की, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, कौन से उद्योग का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो हम लोग करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में करेंगे, यहाँ हम लोग ट्रेडिशनल टॉपिक्स को के बैक ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। फिर है CSO, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, IIP की गणना CSO द्वारा की जाती है। इसे दो आधार पर बांटा जाता है, पहला एक तो ब्रांड सेक्टर्स और दूसरा IIP जिसमें खनन, विनिर्माण और विद्युत शामिल होते हैं। तो ये हो गया आपका भारत का औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है, तो विनिर्माण, खनन और विद्युत है, निर्माण क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 1960 को बदलकर किसे आधार वर्ष बनाया गया, तो 1982 को, लेकिन आपको करंट पता होना चाहिए, अभी वर्तमान उसका आधार वर्ष क्या है, 2012। भारत में औद्योगिक उत्पाद सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भार इतना परसेंट है, 37%। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योग में शामिल हैं, तो आपको बेसिकली वो 8 मूल उद्योग पता होने चाहिए। तो उद्योग है कच्चा तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट और इस्पात, तैयार इस्पात। तो ये हो गया आपका औद्योगिक उत्पाद सकल सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन। सेस नीति पहली बार कब आरंभ की गई, तो पहली बार आरंभ की गई 2000 में और इसको वर्ष 2005 में पारित किया गया, जो फरवरी 2006 से फिर से प्रभावी हुई। तो सेस के बारे में ये क्वेश्चन है। फिर से विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो निर्माण क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। इसके बाद है माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास में उसका जो वो दिया गया निवेश सीमा, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में उसका निवेश सीमा के बारे में आपको ट्रेडिशनली बता दिया था, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स में कुछ चेंजेस आए तो वो मैं करंट अफेयर्स में आपको बता दूंगी। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है, लघु स्तर उद्योग कौन सा है, हथकरघा उद्योग के बारे में सबसे महत्वपूर्ण। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वो क्या है, कुटील उद्योग। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैं वही कर रही हूँ, 25 साल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उस साल के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं ही नहीं डिस्कस करा रही हूँ क्योंकि वो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि वो उस साल के लिए करंट में चर्चा में था इसलिए पूछा गया। तो ट्रेडिशनली जो टॉपिक्स बार बार आए हुए हैं वो कवर करवा रही हूँ और करंट अफेयर्स में करंट के क्वेश्चन बताऊंगी। नेपानगर किस चीज़ के लिए फेमस है, अखबारी कागज के लिए। नेपानगर कहाँ है, नेपानगर नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपानगर, यह है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अखबारी कागज़ का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। OIL ऑयल एक उपकरण है जो क्या है, तेल अनुसंधान से संबंधित है ऑयल। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है, खनिज एवं धातु व्यापार निगम MMTC सबसे बड़ी व्यापारिक संस्थाकारी व्यापारिक संस्था है। इसके बाद का क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी कौन कौन सी, ये बहुत लंबी लिस्ट है इससे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी आप एक राउंड इसको रीड कर सकते हैं। IOC K
जितने हैं जैसे बरौनी बिहार में है IUC का, इसके अलावा CPCL, HPCL, BPCL, ONGC, तातीपाका जो है वो ONGC का। इस तरह से UPSC में आता है मैचिंग करने के लिए कि कौन सा जो ये सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी किस उसकी है, जैसे पारादीप किसका है उड़ीसा में, IOC का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आप पूरी लिस्ट मत याद करिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वह मैं आपको बता दे रही हूँ। पारादीप रिफाइनरी उड़ीसा में, IOC का ये इंपॉर्टेंट है। मैंगलोर जो है वो ONGC का है, मैंगलोर, और तातीपाका ONGC का है। निजी क्षेत्र की रिफाइनरी जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि तीनों जो निजी क्षेत्र का है वो गुजरात में है, जामनगर में और बाड़ीनार में। रिलायंस के दो हैं इसमें और एक SR ऑयल लिमिटेड का है। तो निजी क्षेत्र का तीनों कहाँ है, गुजरात में है, और निजी और सरकारी दोनों का मिक्स जो है वो बीना मध्य प्रदेश में है OOCL के नाम से, और HPCL भटिंडा में। दोनों बीना और भटिंडा जो है वो संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरी है। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नवरत्न महारत्न कंपनी, मैंने पिछले उसमें बता दी है, इसलिए नवरत्न महारत्न से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बता दिया है। कुछ नीति है, सरकारी नीति और उसके वर्ष के बारे में क्वेश्चन है। सूचना तकनीक नीति कब आई, 2000 में। खनिज नीति 2011 में। होटल नीति 2006 में। और औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2010 में। तो सूचना लेने 2000 में चले थे, पहुंच गए 2006 में एक होटल, ठीक है, और 2010 में होटल वालों ने वहां पे उद्योग और निवेश शुरू कर दिया, तो 2011 में फिर खुदाई करके वहां से खनिज भी निकाल लिया। ये जस्ट एक कोड है कहानी की तरह ताकि आपको क्रम याद रहे। आपको जो चीज़ें याद नहीं होती है ना उसका कोड बना के याद करिएगा तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। BIFR मैंने लास्ट वीडियो में बताई, देखिए BIFR से क्वेश्चन है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इस किस चीज़ से रिलेटेड, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण, जो भी कंपनी रुग्ण हो जाती है उनके पुनर्निर्माण और उनको सहायता, वित्तीय सहायता देने के लिए 1987 में शुरू किया गया BIFR। मेरे जो वीडियोस का क्रम है ना उसको आप मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मेगा फूड पार्क योजना से रिलेटेड क्वेश्चन, 2008 में इसको शुरू किया गया। मूल उद्देश्य क्या था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, ये मेगा फूड पार्क योजना है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में भी ये चर्चा में रहा है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना के लिए, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना करने के साथ साथ एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान की है। विनिर्माण क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए सारे काम जो होंगे एकल खिड़की, एक ही जगह से होगा विकास कोष की स्थापना की गई है। तो ये आपके हो गए उद्योग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जो थर्ड वीडियो आएगी वो करंट अफेयर्स उद्योग का क्या रहा है जनवरी से लेके अभी तक का, वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हो सकता है वो वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आपको ये वाले क्वेश्चंस का पसंद, आपको सही लगे होंगे इनको याद कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको अगर कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैक ईयर में दिख जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सभी से शेयर करिएगा। शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है, तो आप अगर आप शेयर करिएगा तो किसी और को भी नॉलेज मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन।